हेलो गाइस गुड इवनिंग आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो फाइनली आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2021 का जो रिजल्ट है प्रीलिम का वो आउट हो चुका है सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट को जिनका कि पेपर क्लियर हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना अटैम्प और स्टेट जरूर मैंशन करेगा उससे पता चलेगा कि कितने अटैम्प पर क्लियर हुआ है आपका पेपर ठीक है बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका आज पेपर क्लियर नहीं हुआ है वो मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर आज क्लियर नहीं हुआ होगा काफ़ी लोग जो है डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे आज का रिजल्ट देखने के बाद उनमें से मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो दो से तीन साल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन उनका आज भी प्रिलियम क्लियर नहीं हुआ होगा ठीक है मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं मैं फील कर सकता हूँ उनकी जो फीलिंग है आज वो कैसा फील कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से एग्ज़ामिनेशन देता था मेरा भी प्रीलीयम क्लियर नहीं होता था और उस समय ऐसा लगता था कि क्या बताऊँ मैं बहुत बुरा लगता था दोस्तों कि लोगों का क्लियर हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा मेरी गलती पहचानने में मुझे बहुत टाइम लगा और फाइनली गलती से ही इंसान सीखता है तो उसी से सीख सीख के मुझे जो है मुझे मेरी गलतियाँ पता चली कि मैं आखिर में लैक कहाँ कर रहा हूँ मैं लैक कर रहा था इंग्लिश में ओके और सबसे मेन बात प्रैक्टिस में मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी आता सब कुछ था लेकिन मेरे अटैम ही कम होते थे एग्ज़ाम में इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था मैं घबरा जाता था हर बार पजल में फंसता था और पेपर बिगाड़ के आता था ठीक है लेकिन इस बार मैंने वैसा नहीं किया है इस बार मैंने सब कुछ अच्छा किया है प्रैक्टिस भी बहुत सारी की है पजल में मैं बिल्कुल नहीं फंसता अभी एग्ज़ाम में और सबसे मेन बात जो है डर रहता है आदमी को कि पेपर कैसा होगा क्या होगा पहले ही डर जाते हैं अपन और वहाँ जाके पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं तो आपको डरना नहीं है घबराना नहीं है कभी भी पेपर रहे तो एक दिन पहले आप या तो मूवी देखो कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई मत करो ठीक है स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस के कारण ही हमारा पेपर बिगड़ता है मैंने ये सीखा है इतने सालों में मेरे भी दो फ्रेंड हैं हम लोग साथ में ही एग्ज़ाम देने गए थे आर आर का ठीक है एक के अटैम्प में फिफ़्टी टू और एक के अटैम्प में फिफ़्टी वन लेकिन दोनों का ही एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है महाराष्ट्र से उन्होंने अप्लाई किया था मेरे साथी अप्लाई किया था ठीक है तो मैं लिटरली शॉक हो गया उनका रिजल्ट देख के क्योंकि वो लोग जो है मेरे से भी अच्छे थे मॉक में मेरे से भी अच्छे नंबर आते थे उनके लेकिन फिर भी उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ हो सकता कुछ उन्होंने गलती की होंगी बात करते मेरे रिजल्ट की तो मेरा रिजल्ट क्वालिफाई है मैं जो है क्लियर कर चुका हूँ प्रीलिम मेरे फिफ्टी एट अटैम्प थे महाराष्ट्र से मेरा प्रीलिम क्वालीफाई हो चुका है ठीक है काफ़ी टाइम के बाद अब मेरे प्रीलिम क्वालिफाई होना चालू हो गए हैं दोस्तों तो मेन बात है आपका प्रैक्टिस और आपकी गलतियाँ आप पहचानो उस पर ज़्यादा फोकस करो ठीक है जिनका भी प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ है मैक्सिमम मॉक्स दो जितना हो सके उतना मॉक्स दो और एनालिसिस करो ठीक है एक भी दिन आपका मॉक्स से चुकना नहीं चाहिए आप दो तीन मॉक्स ले लो सस्ते सस्ते जो भी है ठीक है मार्क्स देते रहो रोज रोज मार्क्स देते रहो एनालिसिस करते रहो प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी आपका पेपर डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा कोई ना कोई ठीक है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एन आई का नोटिफिकेशन आ चुका है उसका फॉर्म भरिएगा और उसका एग्जाम दीजिएगा ठीक है और बाकी भी एग्जामिनेशन आने वाले एस बी आई पी तो उसको आपको फोकस करना है ठीक है एक एग्जाम आपकी योग्यता डिसाइड नहीं करता ठीक है तो यही बेस्ट विशेष के साथ में इस वीडियो को यही वाइंड अप करता हूँ आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखना गुड बाय